उसको तो ये पता ही नहीं चलता कि आप उसमें बैठे हैं या ये बैठा है या ये बैठा है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे का अपना, आप बैंक में जाए कोई भी बंदा किसी कंप्यूटर पे बैठे तो पहले पहले वो क्या करता है, अपना आई डी लॉगिन करता है, तो उसी से तो पहचान होती है कि कौन बंदा बैठ गया। अब अगर उसका रोल एडमिन का है तो वो समझता है ना कि एडमिन का डेटा है। डेफिनेटली पता होता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ईमेल में पता कैसे चल जाता है, आपका कंप्यूटर भी वही होता है, आपका पोर्ट भी वही होता है, लेकिन जब लॉगिन हो जाते हैं तो आप अपनी ईमेल देख सकते हैं उसी कंप्यूटर पे, ये लॉगिन हो तो कंप्यूटर को तो ये पता नहीं चलता कौन बैठ गया फिजिकली, वो तो आपकी लॉगिन से आपको समझ जाएगा ना कि कौन बैठा है। अगर उस पर सीईओ बैठ जाए फेसबुक का, तो वो जब फेसबुक के सीईओ एज ए सीईओ इधर से लॉगिन हो जाएगा तो वो आपको डिलीट कर सकता है, आपके सिस्टम को बैन कर सकता है, वो फिर उसको वही रोल मिल जाएगी। तो ये प्रॉपरली कन्फिगर नेटवर्क में ऐसा होता है। अब मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊँ, मैं तो पहले टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ, अभी तो हम मैं सिर्फ फिजिकली कनेक्शन समझा रहा हूँ, बाकी जो कन्फिग्रेशन है वो तो बाद में कर रही है, मैं तो कन्फिग्रेशन की बात आ जाती है, आप मिक्स कर रहे हैं कि ये फिर कैसे होगा वो तो बाद की बात, हम तो फिजिकली बता रहे हैं कि ये फिजिकली एक स्विच वहाँ होगा, दूसरा वहाँ होगा, तीसरा वहाँ होगा, तब हम ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं ये तो बता रहा हूँ, मैंने दो चीज़ें अभी सिक्योरिटी के लिए बताई, एक है पोर्ट सिक्योरिटी जो कि आप बेहतर समझ गए, बेजेंस से सब चीज़ें निकाल दें, पोर्ट सिक्योरिटी समझ गए कि कैमरा लगा हुआ है अगर उसको हटा दें, कोई कंप्यूटर लगाए तो ये पोर्ट डाउन होता है, तो खुद तो डाउन नहीं होगा ना, मैं इसको कन्फिगर करूँगा, तो जब मैं कन्फिगर करूँगा तो इस पोर्ट का रोल पहले क्या रखूँगा, एक्सेस। जब आप रोल उसका एक्सेस कर लोगे तो ये पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी, और जब इसका रोल एक्सेस करते हो तो वो सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही बंदे का डेटा एक्सेस करेगा, दो का नहीं कर सकेगा। समझ आ रही है ना? अब इस पोर्ट पे तो मैं एक्सेस का ऑप्शन लगा सकता हूँ ना, क्योंकि एक ही कंप्यूटर अटैच होगा, ये जाएगा दूसरा आएगा, या एक यूजर जाएगा तो दूसरा यूजर आएगा, ऐसा है ना, तो इसमें तो मैं सिक्योरिटी एक्सेस कर, ये एक्सेस के सारे प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं इस पोर्ट पे और इस पोर्ट को मैं एक्सेस बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ। इस पूरे डिपार्टमेंट में, इधर इस डिपार्टमेंट में टीचर भी किसी न किसी जगह कनेक्ट होगा, स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, बेशक वो किसी और जगह कनेक्ट होगा, लेकिन होगा तो उसी डिपार्टमेंट से ना, और क्लर्क भी उसी डिपार्टमेंट से होगा, तो जब इन सब का, क्लर्क का और दूसरे का और दूसरे का डेटा आएगा तो इन सब का डेटा इधर से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक ही टाइम पे तीनों बंदों का डेटा जाएगा ना। अभी तो इस पोर्ट को मैं क्या रखूंगा, एक्सेस नहीं रख सकता हूँ, इसको मैं रखूंगा ट्रंक। ट्रंक का मतलब है कि एफ के यहाँ के हर एक का डेटा आप अलाउ करें, समझ। तो ये अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको ये लेयर नहीं दिया होता और यही लेयर मैं ख़त्म कर दो डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर का, तो मैं पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करूँगा तो फिर मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, VLANs इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं उसको ट्रंक नहीं बना सकता, क्योंकि पोर्ट एक ही टाइम पे या ट्रंक होगा और या एक्सेस होगा। आप समझ आइए ना टोपोलॉजी, मैं एक्चुअली ये समझा रहा हूँ, करेंगे ये कैसे, ये आगे आई से तक समझेगा। हाँ एग्जैक्टली, इसको एक्सेस नहीं बना सकते, एक्सेस का मतलब यही है कि वो पोर्ट सिक्योरिटी पर इम्प्लीमेंट करेगा, और पोर्ट सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप कि अगर ये कंप्यूटर हट गया और दूसरा लग गया तो बंद हो जाए, तो यहाँ पर तो ये तो हर बंद हुआ होगा, स्टूडेंट की डेटा जाएगा तो टीचर के लिए बंद हो जाएगा, और टीचर जाएगा तो स्टूडेंट, क्योंकि ये तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से आगे डेटा ले जा रहा है, ये तो सबका डेटा ले जाएगा, लेकिन लैब के अंदर जो स्विच है वो हमें पता है कि इस स्विच के साथ आगे सिर्फ एक ही बंदा एक ही बोर्ड पे कनेक्ट है, तो चाहे वो आप हैं या ये हैं या कोई और बंदा, क्लियर है? इवन अगर दो तरीकों से, अगर यूजर तब्दील होता है तब भी उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज ए यूजर, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं अगर ये कंप्यूटर किसी ने हटा दिया और दूसरा कंप्यूटर लगा दिया तो मैं कह रहा हूं कि कर सकते हैं Okay.
खैर सिक्योरिटी आप समझ, ये टपालू जी समझ गए, मेरा मकसद था टपालू जी। हम आते हैं थोड़ा सा इन डिवाइसेस का रोल कि कौन सी डिवाइस कहाँ लगती है। हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, इनका क्या काम है और कहाँ कहाँ ये लगते हैं। हब, स्विच और ब्रिज तीन, नहीं वो होगा कहाँ पर वो तो अलग बात है, वो वी लैन इधर भी इंप्लीमेंट होते हैं और इधर भी इंप्लीमेंट होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वी लैंस में हमें इसको ट्रंक बनाना होता है, किसी पोर्ट को ट्रंक बनाना होता है, क्योंकि जब आप वी लैंस यूज नहीं करते, देखिए मेरी सिंपल सी बात, इस चीज़ को अभी भी आपको क्लियर नहीं है, मैं ये आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वी लैन कैसे बनते हैं, ये आगे बनाएंगे, ये लेक्चर में यहाँ हो भी नहीं सकता, पूरी लंबी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सेस पोर्ट सिक्योरिटी कैसे लगती है, ये भी मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ टपालोजी की टपालोजी ऐसी होगी तो ये दो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब कि जहन में ये जा रहा है कि हम विलयन कैसे करेंगे, वो जब टाइम आएगा तो आप समझ। एक और चीज़ आपके सवाल से, देखिए एक फॉर एग्जांपल गर्म के दरमियान में एक रास्ता है, ठीक है, अब वो उस रास्ते में सारे रिश्तेदार हैं, अपनी फैमिली भाई बहन है, तो आपको उस गली पे कोई सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी आएगा तो पर्दे का मसला भी नहीं है और ये भी सब इकट्ठी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके उस मोहल्ले में एक तीसरा बंदा आ जाए, फिर आप कहेंगे ना कि घर वालों की आप एहतियात करें। अब जब हम विलेज बनाए, वैसे तो टोटल क्या था, एक ही लोकल एरिया है ना, फिर तो हमें ना बोर्ड सिक्योरिटी लगाने की जरूरत है और ना हमें वो एक अनसिक्योर नेटवर्क हो। लेकिन जब हम सिक्योर नेटवर्क की तरफ जाते हैं तो फिर हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। तो अब जब हम सिक्योर की तरफ जा रहे हैं तो विलेंस लगाना नामजी होता है, लगानी पड़ती है, इसकी कई वजूहत है। 250 से कंप्यूटर बढ़ जाए फिर भी ब्रॉडकास्ट डोमेन बढ़ जाता है, तो ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए भी हम विलेन बनाते हैं। अब विलेन बनाने के लिए जब हम एक लोकल एरिया को वर्चुअली छोटे छोटे नेटवर्क्स बना देंगे, तो इस पूरे केबल के ऊपर एक नेटवर्क का डेटा तो नहीं जाएगा ना, यानी वर्चुअल जो तीन नेटवर्क आपने बनाए, तीन डिफरेंट नेटवर्क का डेटा जाएगा। जब तीन डिफरेंट नेटवर्क का डेटा जाएगा तो स्विच तो बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क के लिए बना होता है ना, वो तो दो नेटवर्क के लिए नहीं बना, तो फिर मुझे इसको ट्रंक करना होता है, मुझे कुछ कन्फिग्रेशन करनी होती है, तो मैं पोर्ट को एक ही टाइम पे या ट्रंक बनाऊंगा या एक ही टाइम पे एक्सेस बनाऊंगा। तो जब इधर से कंप्यूटर भी अटैच होगा तो वो एक्सेस भी बन रहा है, अगर कंप्यूटर इसके साथ अटैच होगा और इधर से स्विच भी लगा है तो एक ही टाइम पे ये दो रोल अदा कर रहा है, कौन से, एक्सेस का रोल भी अदा करेगा और ट्रंक का, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हमने अलग एक लेयर बना लिया। अब इस लेयर के साथ कोई दूसरा स्विच अटैच नहीं हो रहा, इसके साथ एंड डिवाइस ही अटैच होगा। मैंने शुरू बताया कि एक्सेस लेयर के साथ हमेशा एंड डिवाइस अटैच होगा, इसके साथ कभी भी दूसरा स्विच अटैच नहीं होगा। जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेयर होता है उसके साथ कभी भी एंड डिवाइस अटैच नहीं होगा, वो हमेशा किसी दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट होगा। ये स्विच है तो ये स्विच है, ये स्विच है तो ये स्विच है, इसके साथ कोई एंड डिवाइस अटैच नहीं होगा। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो ये सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। तो पहले तो टोपोलॉजी को आप बनाएंगे। ये अच्छा, एक काम हमारे पास शुरू में, अब ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, एंड डिवाइस को समझ गया ना, दो डिवाइसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दी ट्रैफिक। अब दो डिवाइस एंड डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको कम्युनिकेट कौन करवाता है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस। और सही में मैंने बताया था ना कि किस तरीके से ऊपर से डेटा जाता है और फिर वो राउटर पहुँचाता है, तो दो एंड डिवाइसेस के बीच में इंटरमीडिएट डिवाइसेस काम करते हैं। तो लोकल एरिया में इंटरमीडिएट डिवाइसेस में एक आता है हब। हब एक शुरू शुरू में बना एक किस्म का एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर पोर्ट्स थे। फॉर एग्जांपल वैसे नॉर्मली तो ये पोर्ट्स एक ही साइड पे लगे होते हैं, स्विच ये बिल्कुल स्विच दिखने में स्विच होता है, दिखने में ये क्या होता है, स्विच होता है। लेकिन शुरू में जब बना उसको हब बोलते थे। इसके दरमियान में एक केबल होती थी, ये भी इसी से अटैच होता था, ये भी इससे अटैच होता था, ये पोर्ट भी, ये पोर्ट भी, ये पोर्ट भी और ये पोर्ट भी। अब जरा बताएं मुझे, ये कंप्यूटर अटैच हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर अटैच हो गया, ये तीसरा, ये चौथा एंड सो ऑन।
जब ये कंप्यूटर डेटा भेजेगा कहीं, तो इस तार पे डेटा जाएगा इस कंप्यूटर को, क्या उस टाइम इन बकायों में से कोई कम्युनिकेट कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। दरमियान में बस टोपोलॉजी का कंसेप्ट था, तो एक ही टाइम पे एक ये ऐसा है कि एक गली है उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, तो सुबह 6 घर हैं तो एक ही टाइम पे सबकी गाड़ी नहीं जा सकती। तो उन्होंने टाइम तकसीम किया कि 9 बजे आपने गाड़ी निकालनी है, 9:05 पे आपने निकालनी है, तो आखिरी ने 30 मिनट बाद गाड़ी निकालनी होगी। तो अब जो है वो कितना नेटवर्क पे डिपेंड करेगा, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये काम जो है ना हब में था, और ये इंटेलिजेंट नहीं था। देखिए इसमें सिर्फ एक तार लगी हुई है, इसको ये पता नहीं चलता डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। ये सिंपल यहाँ से वोल्टेज लेता है और ये वोल्टेज हर जगह जा रही है, हर जगह वोल्टेज। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी रिजेक्ट कर लेंगे, लेकिन दूसरा कोई डेटा नहीं भेज सकता। कोलिजन भी इसमें होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हमारे इस कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा। अब ये हब को थोड़ा सा तब्दील किया, उन्होंने कहा कि इसको यूं अगर कर दें कि हर डिवाइस हर पोर्ट का दूसरे पोर्ट के साथ एक डेडिकेटेड लिंक बना दिया जाए, एक अलग इस पोर्ट का इस पोर्ट के साथ अलग लिंक, इस पोर्ट का इसके साथ अलग लिंक, इस पोर्ट का इसके साथ अलग लिंक, इसके साथ अलग लिंक, इसके साथ अलग लिंक। जैसे इस पोर्ट के हर एक पोर्ट के साथ अलग इंटरनल लिंक है, इसकी भी हर एक के साथ इंटरनल लिंक, और इसकी हर पोर्ट का दूसरे पोर्ट के साथ अलग एक डेडिकेटेड लिंक है। अब जरा समझ लें, ये जब कम्युनिकेट करेगा इसके साथ, तो ये अपने डेडिकेटेड लिंक पे कम्युनिकेट करेगा, और उसी टाइम ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, तो इसके दरमियान एक इधर से अलग से डेडिकेटेड लिंक होगा। तो ये भी एट ए टाइम काम कर रहा है, और ये भी एट ए टाइम काम कर रहा है, और ये भी सारे एट ए टाइम काम कर रहे हैं। कोलिजन एक जगह पर हो सकती है, लेकिन उसको हम कोलिजन नहीं कहते। वो ये कि अगर ये कंप्यूटर भी इसी को डेटा भेज रहा है और ये भी, तो ये अपने अलग केबल से डेटा भेजेगा यहाँ जब पहुंचेगा, और ये अपने अलग केबल से डेटा भेजेगा यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर कोलिजन होगी। लेकिन ये कोलिजन नहीं होती, ये तो देखिए दो अलग रास्तों से डेटा आ गया, टकराया तो नहीं है, अलग रास्तों से डेटा आया। तो इधर एक मेमोरी, हर पोर्ट के साथ एक मेमोरी है, उस मेमोरी में एक को रख दिया जाता है और एक को दे दिया जाता है, फिर दूसरा भी दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पर अगर कुछ डिले होता है, तो ये तो सिंगल बंदे का डिले है ना, नेटवर्क का डिले तो नहीं है। तो ये इसको नाम दिया, जब ये तब्दीली की गई और इसमें मेमोरी इंट्रोड्यूस किया गया, रैम, और इसने क्या किया कि यहाँ से अगर ये डेटा ये कोई डेटा भेज रहा है, तो इसने रैम के अंदर इन तमाम के मैक एड्रेस रखे होते हैं, और इसको पता होता है कि मेरे साथ कौन कौन अटैच है। तो जब उसका डेटा आएगा तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, उसको पता होगा ये किसका डेटा मैक एड्रेस उसको देते हैं, पहली दफा ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन फिर वो रीड कर लेगा और मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेगा। लेकिन वो जो पहले वाला था उसमें तो कोई मेमोरी नहीं थी, एक केबल थी, उस केबल के साथ जिसका भी डेटा आता था सब जगहों पे जाता था, और ब्रॉडकास्ट यानी हर एक को मिलता था, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट होता था। इसको फिर जब ये तब्दीली दी गई, तो इसको नाम दिया स्विच। अब ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट है, अब ये खत्म है, अब खत्म खत्म है नहीं। अब आप 10 रुपए का भी कोई स्विच लेना तो वो हब नहीं होगा, वो स्विच ही होगा। ये बिल्कुल खत्म, एलिमिनेट हो गए, जैसे आपके पुराने रील वाले कैमरे खत्म हो गए। ये स्ट्रक्चर जो मेमोरी वाली बनाई है, फिर स्विच के ऐसा ये इसको स्विच कहते हैं। ये जब आप कहते हैं ना मार्केट में कि मुझे एक स्विच दे दो, वो उसकी मेमोरी होती है, तो वो यही चीज़ होती है। अब आप जाए किसी को हब दे दो, तो ये हब नहीं देगा, वो स्विच ही देगा। अब हब खत्म हो गया ना, हब की ये ड्रॉबैक्स। हब ये काम करता था, देखें फर्स्ट वहाँ से एक खत आ गया, उसके ऊपर लिखा है कि इकबाल का खत। अब फर्स्ट है मैं हब, मैंने क्या कर रहा है, मेरे पास डेटा रिसीव हुआ, मैं कहता हूँ इकबाल कौन है, मैंने ब्रॉडकास्ट, इकबाल ठहर गया मैं हूँ, बाकी ने इग्नोर किया, पहुंचा तो सब तक लेकिन उसने इग्नोर किया। अभी देखें वहाँ से डेटा आया, और अगर मेन केबल के साथ सारे कनेक्ट रहे तो वो वोल्टेज सबको पहुंच गई, तो जब सबको पहुंच गई तो उसका मतलब है वो उस केबल पे और कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, तो डिस्टर्ब तो सब हो गए। अब इकबाल ने कहा मैं हूँ, उसने डेटा उठा लिया। अब थोड़ी देर बाद फिर इकबाल का खत आता है। अब मैं अगर हब हूँगा तो मैं दोबारा क्या करूँगा, इकबाल कौन है, मैं फिर हर एक को भेजूंगा जैसे पहले। स्विच क्या करता है, स्विच ने कहा उधर से डेटा आ गया, मैंने कहा ये इकबाल कौन है, इकबाल ने कहा मैं हूँ। अब चूंकि मेरे दिमाग में मेमोरी है, मैं स्टोर कर सकता हूँ, मैंने पहचान लिया ये है इकबाल।
पहली दफ़ा तो ब्रॉडकास्ट करके अपनी मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मैंने स्टोर कर लिया मेमोरी में। अब दोबारा जब इकबाल का खत आएगा तो मुझे ऐलान करने की जरूरत है नहीं है। तो इस पोर्ट पे इकबाल का डेटा आ गया और मुझे पता है इकबाल इस पोर्ट पे है, तो इस पोर्ट से हर एक पोर्ट पे डेडिकेटेड लिंक है, तो मैं उस पोर्ट पे भेज दूंगा ना जो इकबाल का है। सबको डिस्टर्ब नहीं, और बाकी डिस्टर्ब से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर ये वोल्टेज सब पे जाएगी तो वो तो वोल्टेज टकरा जाएगी ना, तो डेटा भी उसका ख़त्म जो कम्युनिकेशन कर रहा था बाकी वो ख़त्म, लेकिन इस सूरत में नहीं होगा, इस सूरत में उसको डेटा फोन है। इसलिए स्विच जब पहली दफ़ा ऑन होता है ना तो वो अपनी वर्किंग पोजीशन में आने में एक मिनट लेता है, पूरे 60 मिनट। वो क्यों? क्योंकि वर्किंग पोजीशन में ये तब आता है जब ये सबको एक ऐलान करता है और उसको कहता है मुझे अपने नाम बताओ जल्दी जल्दी, तो वो ब्रॉडकास्ट कर लेता है पहले, यानी मैं पहले पहले मैं कहता हूँ कौन कौन है, अब मैंने ब्रॉडकास्ट, अब आपने नाम बताया, आपने आपको मैंने मेमोरी में स्टोर कर, अब ये सीखने में मुझे एक मिनट लग गया। अब ख़त आता है, कोई डेटा मेरे पास आता है, कोई इकबाल का होगा तो मैं इकबाल को दूंगा, और असलम का आता है तो मैं असलम को दूंगा, क्योंकि मैंने एक मिनट में ये शुरू में सीख लिया। सो स्विच जब वर्किंग पोजिशन में आता है पूरे 60 मिनट लेता है, 60 मिनट से पहले ये काम नहीं करता। इसको कहते हैं लिसनिंग एंड लर्निंग। लिसन करना, सुनना, लिसन एंड लर्न। जी स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस, हर वो इंटेलिजेंट डिवाइस जिसमें मेमोरी है वो इंटेलिजेंट। इंसान जिसको हम पागल कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, वो उसका दिमाग थोड़ा सा कम करता है ना, तो इंटेलिजेंट डिवाइस की मिसाल है, हर वो डिवाइस इंटेलिजेंट है अगर आपने उसके साथ मेमोरी लगा दी। अगर उसके साथ मेमोरी है तो वो इंटेलिजेंट है, मेमोरी नहीं है तो इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप हब समझ गए और स्विच समझ गए। एक होता है ब्रिज, पहले ये ब्रिज अलग हुआ करता था, अब ये स्विच ही है, ये दोनों चीज़ें किस में आ गई है, स्विच में। ब्रिज क्या काम करता था? फिजिक्स डिपार्टमेंट और मैथ डिपार्टमेंट को जोड़ने के लिए यहाँ जो यूज होता था उसको क्या बोलते थे? ब्रिज। लेकिन अब मैंने कहा स्विच, अब ये काम भी स्विच करता है, तो स्विच को इतना इंटेलिजेंट बना दिया और इतना मजीद इंटेलिजेंट बना दिया कि अब राउटर का काम भी ये करता है, लेकिन ये आम स्विच नहीं करता, उसको हम कहते हैं लेयर 3 स्विच। अगर कहीं पर आपको ऐसे नजर आए ना स्टार, तो ये राउटर भी होता है और स्विच भी होता है, लेकिन खैर मैं उस पर नहीं आना चाहता, आप इसको मिक्स ना करें, लेकिन आप स्विच से ही सारा काम लिया जाता है। तो एनीहाउ ब्रिज क्या था? नेटवर्क के दो सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए होता था ब्रिज, लेकिन अब ये काम क्या करता है? स्विच करता है। स्विच में अभी इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि ये तमाम काम कर सकता है। सो ये ब्रिज और अब यूज़ नहीं होते, लफ्ज़ यूज़ होता है, कभी आप किससे कहें ये ब्रिज है या हब मुझे दे दें, हब लगा दें, लेकिन वो है क्या? स्विच तो होगा, स्विच ये ऐसे ही है, आप किसी मार्केट में जाए आप उसको कहें मुझे अभी रील दे दें, वो जो पुराने ज़माने का कैसेट होता था, रील कैसेट कह सकते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, मिल भी जाए तो उसको चलाने के लिए आपको किसी का करने नहीं है, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो इंटरमीडिएट डिवाइसेस लोकल एरिया जितना भी आप बनाएंगे वो किससे बनेगा? स्विच। बस राउटर का इस्तेमाल लोकल एरिया में नहीं होता। राउटर कब यूज़ होता है? जब आप इंटरनेट के साथ लगा, इंटरनेट किसी और का नेटवर्क है और आपके घर में या आपका लोकल एरिया किसी और का, तो जब दो डिफरेंट नेटवर्क्स आप आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा? जब डिफरेंट नेटवर्क जब आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए राउटर चाहिए होगा, वाइड एरिया हो या कोई और लोकल एरिया हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? राउटर। अच्छा, आप शुरू में जब आपने मुझे बताया था कि हम लगाएंगे गोवर्नमेंट के लिए क्लास सी से, तो जब आपने 250 कंप्यूटर यहाँ अटैच किए 255, तो दूसरे डिपार्टमेंट के 255 के लिए एक और नेटवर्क बना होगा, तो ये तो एक लोकल एरिया ना होगा, ये तो आपने 10 एरिया बना दिया, तो फिर आप कौन सा, आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, क्लास ए और क्लास बी। अब जब क्लास ए पे आते हैं तो क्लास ए में कितने बिट्स हैं होस्ट के लिए? नेटवर्क, बाकी सारे क्या है? होस्ट है ना, तो 2 की पावर 8 3 24, तो ये तो बनता है 16 मिलियन।
और क्लास ये क्लास ए है, क्लास बी क्या है 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 गोमल यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर चॉइस है ना, ये तो बहुत ज्यादा है और सी बहुत कम है, तो आपके पास चॉइस कौन सी रहेगी? बी। आप समझ गए। और एक और बात, मैंने एक दफा आपको बताया था कि आई पीस जो है ना दुनिया में यूनिक होते हैं, तो फिर तो आई पीस दुनिया में तो इतनी सारी चीजें तो आई पीस तो कम पड़ गए। आपके घर में भी 192 वाला होगा और मेरे घर में भी 192 वाला, वो कैसे होगा वो भी यहाँ से समझ ले। वैसे ये चीज हमारी इसकी नेट में आता है, सिक्योरिटी में ये भी आता है, हम पढ़ेंगे अगर टाइम मिला। बहुत सारी चीजें हैं, मैं सोचता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें पता नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सिक्योरिटी, खत्म ना होने वाला। देखिए ये होता ही है, ये मेरा लोकल एरिया है, मैं जब भी लोकल एरिया बनाऊंगा ना तो मैं इतने लेयर्स में नहीं बनाऊंगा, ये मैंने आपको समझा, मैं जस्ट एक छोटा सा बनाऊंगा, ये लोकल एरिया बना रहा हूँ 2 कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर का मैंने लोकल एरिया बना दिया, मेरे घर का है ये, आपके घर का है लोकल एरिया, या फिर आपके घर का ना भी हो कोई दफ्तर है। अब यहाँ पर ये इसको आप कोई भी आई पी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 192.168.1.1 इसको दिया और 192.168.1.2 इसको दिया, ये मेरे घर में, और आपके घर में आपने भी इसको 192.168.1.1 192.168.1.2। अब ये यहाँ पर काम करेगा क्योंकि इसमें तो ये दोनों आईपी यूनिक है ना, इस नेटवर्क में तो दोनों आईपी यूनिक है। अगर इस क्लास में एक का नाम असलम एक ही है और दूसरा अनवर है तो मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ना, क्योंकि एक ही असलम है ना, नाम से भी कहूँ कि असलम होना मतलब, लेकिन अगर एक में दो असलम हो जाए तब मसला होगा ना कौन सा असलम। तो ये अपने आप में एक अलग नेटवर्क है, इसमें ये आईपी यूनिक है और ये आईपी यूनिक है, इसमें ये आईपी यूनिक है और ये आईपी, मसला कब आएगा? तो इसका मतलब है लोकल एरिया में तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी आईपी लगा दें, किसी को पैसे देने की जरूरत भी नहीं है, इतने आईपी हैं कि इसमें से कोई आईपी लगा दें। आपने कहा नेटिंग करेंगे, नेटिंग तब करते हैं जब हमारे पास आईपी कम होते हैं, जब लोकल एरिया और सारे आईपी फ्री हैं आपके लिए तो नेटिंग की जरूरत है, और ज़ाया करने की फिक्र कौन करता है, वैसे भी तो किसी की यूज़ भी नहीं है ना लोकल एरिया में। मैं यहाँ पर सी क्लास यूज़ करूँ या ए करूँ या बी करूँ, और वो ए करे बी करे सी करे, तो मेरे तो अपने एक एरिया में और उसके अपने एरिया में, मसला कब आएगा? जब मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँगा राउटर से और ये बंदा भी। अब मसला है, अब ये मतलब इस, अब ये एक नेटवर्क बन गया ना, क्योंकि है तो मतलब अलग अलग नेटवर्क, लेकिन राउटर ने इसको एक कर दिया। अब कोई पैकेट आएगा इस पे तो राउटर इसको भेजेगा या इसको भेजेगा, अब इशू बन गया ना। अब इंटरनेट पे जब हम जाते हैं ना तो या तो हर एक बंदे का अलग आई पी होगा जो कि मुमकिन नहीं है, इतने आई पी हमारे पास नहीं है इंटरनेट के साथ, तो हर चीज़ अटैच है, तो हर एक को अगर अलग आई पी दे तो मुश्किल होगा। तो इन्होंने कहा कि कुछ आई पी फ्री किस, यानी हर एक यूज़ कर सकते, जिसमें 192 का भी है फ्री। मैंने भी यूज़ किया, आपने भी यूज़ किया, राउटर पे नेटिंग होती है कैसे? यहाँ पर ये आई पी मैंने खरीद लिया पैसों पर, ये है 2.1.1.1 ये आई पी मैंने इधर, ये मैंने पैसों पे खरीदा जो दुनिया में किसी और का नहीं, ये मैंने पैसों पे खरीद लिया, ये आई पी भी मैंने पैसों पे खरीद लिया, इसका नाम है 1.2.2.2, ये मैंने पैसों पे खरीद लिया, ये मैंने राउटर की इस हिस्से पर जो दुनिया में किसी का भी। अब यहाँ पर क्या है, ये इसको भी मैंने ये आई पी दिया और इसको भी ये आई पी दिया, कोई मसला नहीं, ये अगर ट्रैफिक भेज रहा था इसको तो राउटर पे इधर नेटिंग किया, जो आपने कहा था NAT नेट, हम इस राउटर को के ऊपर नेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, और हम इसको कहते हैं कि आपके पास कोई भी आईडी आए, पैकेट आए, आपने उस पैकेट के ऊपर एक लेबल लगा देना, जैसे दुकानदार लेबल लगाते हैं ना किसी चीज़ की प्राइस होती है 60 रुपये, और ऊपर एक और स्टिकर लगा देते हैं 160 कर देते हैं, सेम यही काम होता है। यहाँ से ये पैकेट जब आएगा तो सोर्स आई पी क्या होगा, ये होगा, तो ये जब यहाँ से आएगा तो ये उसके इस आई पी पे क्या लगा देगा, और ये दुनिया में कहीं और होगा नहीं, तो जब ये इधर जाएगा तो इस बंदे के साथ जो जो कम्युनिकेट करेगा वो कौन सा आई पी देखेगा, तो कहेगा ठीक है 1.1 तो किसी का भी नहीं है। अब ये जब इस पैकेट भेजेगा
तो ये किसको भेजेगा, इसके इसको तो एड्रेस ये मिल रहा है ना, ये तो नहीं मिल रहा, ये इस एड्रेस को क्या भेजेगा, डेटाबेस। ये जब डेटा भेज रहा है इधर, तो इधर जब पहुंचेगा ना, तो ये भी चूंकि लोकल आईपी है ना, तो इधर भी हमने कहा होगा कि इधर से जो ट्रैफिक आया है उसके ऊपर कौन सा लेबल लगाना है ये, और ये भी हमने पैसों पे खरीदा होता है। अब जब यहाँ सारे ये अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट कर रहा है, इन दोनों के आईपीज जो होंगे वो कौन से, इनको कौन क्या दिखेगा, ये दिखेगा, इनको दिखेगा ये बात का एक्सेस की बात ही नहीं है, वो चीज खत्म हो गई, वो चीज खत्म हो गई है। अब मैं एक नया टॉपिक बता रहा हूँ, वो जहन से निकाल दे, वो तो टोपोलॉजी बना दिया, अब मैं एक नई चीज बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आईपीज है ना, कुछ आईपीज फ्री है और कुछ आईपीज पैसों पे है, तो ये आईपीज तो हमारे पास कम है और हम पूरी दुनिया के ट्रैफिक चला रहे हैं, या मैंने आपको कहा कि आईपी यूनिक होगा पूरी दुनिया में, आपके कंप्यूटर का जो आईपी होगा वो किसी और कंप्यूटर का नहीं होगा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है आपके घर में जब आप कभी नेट यूज कर रहे हैं वहाँ आपका आईपी होगा 192, और आपके घर में 192 होगा और आप इंटरनेट से बाकी इसको डेटाबेस ये आपको भेज सकते, सवाल होता है ना कि आपने तो ये कहा था कि आईपी यूनिक होगा, तो यूनिक तो नहीं है, मैं भी वही आईपी यूज कर रहा हूँ वो भी। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये काम कैसे, ये टोपोलॉजी एक्सेस भी है सब कुछ है, लेकिन उससे जब एक केबल को ऊपर राउटर तक पहुंच रही थी ना, मैं आपको उस राउटर की बात कर रहा हूँ, राउटर से आगे दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो ये इधर से ये जो डेटा भेजेगा ना, ये एक लिस्ट मेंटेन करेगा। है फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, मैं आखिरी दो इंच से लिख रहा हूँ, 1.1 से जो डेटा आएगा उसके साथ वो आईपी क्या लिख देगा। अच्छा ये भी किस्मत में 1.1 है, ये 19168 वाला जो डेटा आएगा ये इसका आईपी क्या कर देगा, 1.1.1.1 लगा देगा, और यहाँ से जो डेटा आएगा वो इसको क्या कर देगा, 167 ये वाला, वो उसको तब्दील कर देगा 2.2.2.2, समझ रहे, ये टेबल मेंटेन कर, राउटिंग टेबल नहीं, राउटिंग टेबल और चीज होती है, ये नेटिंग टेबल, नेट टेबल, मैंने नेट टेबल, राउटिंग टेबल एक अलग चीज। यहाँ से जब ये पैकेट आएगा ना, ये इसको कम्युनिकेट करेगा, तो अपना आई पी इसका कौन सा होगा, अब जरा सोचो अपना आई पी इसका कौन सा होगा, सोर्स ये होगा ना, डेस्टिनेशन क्या होगा, वो इसको पहचानता नहीं है, डेस्टिनेशन ये होगा, ऐसा ही है ना, क्योंकि इस तक जो पैकेट आया था उसमें तो ये आई पी लगा हुआ था ना, इसने तो इसका आई पी उतार दिया था। अब ये कम्युनिकेट कर रहा है, ये बंदा समझ रहा है कि कम्युनिकेशन हो रही है 1.1.1.1 और किसके दरमियान हो रही है, 192.168.1.1, ये नेटवर्क ए है और ये नेटवर्क बी है, तो नेटवर्क ए का ये कंप्यूटर समझ रहा है कि मुझसे जो बात कर रहा है उसका नाम असलम नहीं है, मेरा तो असलम है, उसका असलम नहीं है, उसका नाम ये है, क्लियर। ये जवाब इसको देगा, इसको इस पोर्ट को जवाब देगा, क्योंकि इस पोर्ट का आईपी है, जब ये जवाब देगा ना इस पोर्ट को, तो ये पहचान लेगा कि ये तो चूंकि मेरा नहीं था, मैंने तो लेबल लगाया था, ये अपना लेबल उतार देगा और किसका आईपी एड्रेस वापस लगा देगा, इसका लगा देगा। तो पैकेट जब इस तक आएगा तो ये क्या सोचेगा कि मुझसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कौन बात कर रहा है, 1.1 किससे बात कर रहा है, तो दोनों सूरतों में हालांकि एक्चुअली 1.1 ही आईपी पे बात हो रही है, उसका भी वही आईपी है, इसका भी वही बात है, एक्चुअली तो वही काम हो रहा है, लेकिन ये समझ रहा है मुझसे ये बात कर रहा है और ये समझ रहा है मुझसे ये बात कर रहा है। दोनों सूरतों में सिंपल सी बात है, जब आपका पैकेट इंटरनेट पे चढ़ जाता है ना, तो इंटरनेट पे उसका आईपी पैसों वाला, फ्री वाला नहीं चलता, पैसों वाला। और पैसों वाला कैसे होता है, अब हम पूरे घर के आईपी में 50 कंप्यूटर, इस पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी कंप्यूटर है ये सब आईपी फ्री वाले, लेकिन हमने राउटर पे यहाँ पर खरीदा हुआ आईपी लगाया हुआ, तो आप और आपकी पूरी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के साथ जो बात कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया समझ रही है हमारे साथ एक ही बंदा बात कर रहा है, सर ये बात जी जो आज हमने खरीदे हैं, हाँ यूनिवर्सिटी ने खरीदा हुआ आई पी से बात कर रहे हैं, हाँ वरना ऐसे नहीं होता। हेलो, वालेकुम सलाम, शुक्र है, बिल्कुल खैर था।